जी, क्या नाम है आपका? दिव्या श्रीवास्तव। दिव्या जी, कहाँ रहती हैं आप? जी, मैं कानपुर में रहती हूँ। क्या परेशानी है आपको? सर, मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिससे मुझे रात में बहुत कम दिखाई देता है और दिन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में। अब दिन में भी कम होती जा रही है। शुरुआत आपकी काहे से हुई थी? शुरुआत मुझे रात में बहुत कम दिखता था, है ना, उसके बाद? जी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दिन में भी कम हो गया। तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया? मैंने कानपुर में 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया जो स्पेशलिस्ट थे आंखों के, आई स्पेशलिस्ट। हाँ, आई स्पेशलिस्ट। और फिर मैंने बरेली में दिखाया MS बासु को, डॉक्टर बासु को आपने दिखाया जी, है ना? जी। तो क्या कहा उनने? उन्होंने यही बताया कि आंख में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और उन्होंने एक दवा मुझे दी थी, तो दवा के बारे में बताया। जी, आपको दवा दी, आप उनके यहाँ गए, जी। तो आपका क्या क्या चेकअप हुआ था वहाँ पर? चेकअप तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, बस वो जो नंबर्स पढ़वाए जाते हैं वही पढ़वाया उन्होंने, बस ABCD पढ़वाई। हाँ, आपको वही इंग्लिश चार्ट पढ़वाया, इंग्लिश चार्ट पढ़वाया, ABCD पढ़वाई। हाँ, वही। फिर उन्होंने बताया कि आँख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आगे बढ़ सकती है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने वो दवा मुझे दी। क्या नाम है वो दवा का? आइसोटिन। आइसोटिन ड्राप आपको दी डालने के लिए, जी जी, है ना? तो कोई चेकअप आपके पर्दे का, आंख का, या अंदर का, कोई चश्मे का, नंबर का, किसी तरह का कोई चेकअप करा क्या उनने? नहीं, ऐसा तो कोई चेकअप नहीं किया, कोई खास चेकअप नहीं किया आंखों का। खास मतलब क्या? सिर्फ आपकी नजर देखी, इसके अलावा बस, कोई चेकअप हाँ, हुआ क्या? नहीं, उसके अलावा और कोई चेकअप नहीं हुआ। और कोई चेकअप नहीं हुआ? नहीं, और किसी भी आपसे, मशीन से कोई चेकअप नहीं हुआ, है ना? और आपसे क्या कहा गया? मुझसे यही कहा गया कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। बड़ी है? या असाध्य है? हाँ, असाध्य है, यही बड़ी असाध्य और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और बस उन्होंने कहा इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जो मैं ये आइसोटीन ड्रॉप दूंगा वो आप डालिए, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा, और जितनी रोशनी है इससे थोड़ी बहुत बढ़ेगी और सही हो जाएगा, उन्होंने ये कहा। बढ़ेगी, कम होना, खत्म हो जाएगी। हाँ, एक चीज हाँ, ये भी कही आप, क्या हाँ, बता रहे थे कि रोशनी जो हाँ, खत्म हो रही है, हाँ, जो रोशनी खत्म हो रही है वो बढ़ेगी इससे, आइसोटीन ड्रॉप मतलब से। जो खत्म हो रही है वो रुक जाएगी और हाँ, आगे बढ़ेगी, हाँ है ना? जी। तो आपने कितने समय तक ये इलाज लिया? मैंने ये 6-7 महीने इलाज लिया, इनका आइसोटीन ड्रॉप डाला और कुछ टैबलेट भी दी थी, वो भी मैंने खाई, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ और रोशनी मेरी खत्म होती गई, घटती गई। जैसे जैसे आपने दवाई डाली, जैसे जैसे गोलियों का कोर्स लिया, वैसे वैसे आपकी रोशनी घटती गई, मेरी बड़ी नहीं रोशनी, खत्म होती चली हाँ गई, है ना? जी। और जब आप वहाँ गए थे तो कोई एकाद अक्षर पढ़ा था क्या आपने दूर? हाँ, बहुत बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ था सबसे ऊपर का वो मैंने पढ़ा था, बाकी उससे नीचे की कोई लाइन मुझे पढ़ने में नहीं आ रही थी। सबसे बड़ा अक्षर होता है करीब 6 मीटर यानी 20 फीट पे, जी, ठीक? तो जी, उस समय आपकी 20 फीट करीब नजर थी, जी जी, जब आप उनके यहाँ इलाज कराने गई, जी। तो आज जब यहाँ आपने 6 महीने 7 महीने इलाज लिया, उसके जी, बाद आपकी पोजीशन क्या हो गई? उसके बाद मैं वो जो बड़ा सा अक्षर था वो भी मैं नहीं पढ़ पा रही थी, अब कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी, जी। और धीरे धीरे आप जो घर में काम हाँ कर लेती थी हाँ उसमें भी दिक्कत आने लगी। वो पहले काम मैं पास का पढ़ लेती थी अपने मन से, लेकिन फिर वो ड्रॉप अप डालने के बाद मैं बाद में भी नहीं पढ़ पा रही थी, बहुत धुंधला सा दिखने लगा था, बिल्कुल धुंधला हो गया, और आपको दिखना करीब करीब बंद हो गया। बंद हो गया। तो आप सड़क बाहर दिन में भी घर के बाहर निकलने में घबराने लग गए थे? हाँ, ऐसा होता था, या किसी रोड को रोड साथ क्रॉस लेके जाते? करने में, रोड रोड क्रॉस करने में मुझे दिक्कत होती थी, मतलब ये दिक्कतें जो पहले नहीं थी वो शुरू हो गई थी। हाँ, तो आपको किसी का हाथ पकड़ के जाना पड़ा? दिन में तो इतनी वैसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, रात में मुझे होती थी, और दिन में भी अगर जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ मुझे हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ती थी, वहाँ आपको हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ती थी, जी, है ना? जी। तो आपने ये आइसोटीन ड्रॉप डाली, क्या नाम बताया था? आइसोटीन। आइसोटीन ड्रॉप डालने के बाद आपकी रोशनी का क्या हुआ? कम होती गई? हाँ, रोशनी मेरी काफी कम हो गई ड्रॉप उसके डालने बाद के बाद। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था क्या उनकी ड्रॉप डालने के बाद? नहीं, उसके बाद तो मैंने अभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कानपुर में एक जगह दिखाया था मैंने, हैलेट तो में। कहाँ हाँ, पर? हैलेट में मैंने दिखाया था, शालिनी मोहन। तो डॉक्टर साहब ने आपको क्या बोला था? उन्होंने भी यही बोला कि ये असाध्य बीमारी है और मोतियाबिंद भी हो रहा है, एक राइट वाली आंख में मोतियाबिंद भी हो रहा है, यानी आपकी आंख में मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई या मोतियाबिंद होना शुरू हो गया जब से आपने ये ड्रॉप डाली, आप यही कहेंगे क्या? जी हाँ, है? क्योंकि ड्रॉप डालने के बाद ही मैंने दिखाया और हाँ, उन्होंने कहा कि मोतियाबिंद होना शुरू हो गया है आंख में, जो कि पहले नहीं था।
मतलब आइसोटीन ड्रॉप डालने के बाद आपको मोतियाबिंद होना हाँ, शुरू हो गया, शुरू हो गया है ना, और रोशनी खत्म होती चली गई जी। ठीक है, रात के साथ साथ आप दिन में भी मोहताज हाँ, हो गई थी जी। ठीक जी, तो इस मोहताजी के बाद आपके दवाइयाँ आप ले रही थी, उस दरमियान आपके जीवन में एक और कोई चेंज आया क्या, या कोई चेंज आया था मतलब दवाइयाँ लेते समय के लेते समय दवाइयाँ डालते डालते समय आपकी शादी कब हुई? हाँ शादी, फिर दवा मैंने 6 महीने दवा डाली है और 7वें महीने मेरी शादी हुई। मतलब दवा चलते हुए आपकी हाँ, शादी हुई थी? दवा चलते चलते इसी के भरोसे मेरी शादी हुई कि मैंने सोचा चलो ठीक हो जाएगा अब इससे। तो मतलब आइसोटीन ड्रॉप के भरोसे आपने शादी कर ली जी के ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी मैं तो आगे चल के इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो शादी के लिए मैंने हाँ कर दिया और शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी उस दवा से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा या खत्म हो गया? नुकसान हाँ, तो नुकसान, हुआ ना? नुकसान हो गया है? जो भी हुआ आपको नुकसान ही हुआ आपके जी। जीवन में आपने बताया मोतियाबिंद भी आ गया जी। दिन में चल फिर रहती थी वो भी वो बंद भी, हो गया हाँ, मतलब क्या हुआ? हाँ यही सारी दिक्कतें आती चली गई। तो ये आपको नुकसान ही हुआ या कुछ नहीं, इससे कोई मुझे फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ मेरा। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि आपकी दिन की भी रोशनी खत्म हो गई और आँख में मोतियाबिंद हो गया जी, है ना जी। और आखिर आप ये डॉक्टर बासु के पास पहुंची कैसे? मैंने पेपर में पढ़ा हुआ था इनका, स्वतंत्र भारत में और दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा हुआ था, इनके एड देखे थे। हाँ, एड मैंने देखे थे। तो नेट पे भी सर्च किया था क्या? नहीं नेट पे नहीं सर्च किया था मैंने, सिर्फ पेपर में देख के मैं गई। मैंने पापा से बताया कि एड निकला है चलो चलते हैं, फिर पापा मुझे लेके गए वहाँ, थोड़ा बहुत चेकअप हुआ। तो उन्होंने क्या कहा था कि रोशनी का क्या होगा? उन्होंने ये कहा था कि बढ़ेगी नहीं, जितनी 10-20% हम बढ़ा सकते हैं और जितनी है इतनी ही बनी रहेगी, आपकी रोशनी कम नहीं होगी। कम नहीं होगी जी, है ना। तो आपके साथ क्या आप कहेंगे कि बहुत बड़ा धोखाधड़ी का हुआ है? धोखा तो हुआ ही है। अब उन्होंने कहा था कि इससे आपकी रोशनी कम नहीं होगी, जितनी है उतनी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी रोशनी कम होती जा रही दिन पे दिन, रोशनी दिन पे दिन कम होती चली गई जी। आज आपकी शादी के जिंदगी के क्या हालचाल है? वो बहुत ही बुरी पोजीशन है, मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बिगड़ता ही चला गया। तो आज आप ससुराल में रहती हैं? नहीं, मैं वहाँ से छोड़ के आ गई हूँ, मैंने सोचा था अब मैं जब ठीक हो जाऊंगी तभी मैं वहाँ जाऊंगी। क्यों छोड़ दिया वहाँ पे? क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब लोग मेरी वजह से बहुत टेंशन में रहते थे, और ये आइसोलेटिन में दवा लेके गई थी, वहाँ पे भी सब लोग सोचते थे कि चलो इस दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो उन लोगों की भी उम्मीदें गिरती चली गई, तो उन्होंने फिर वही सारी दिक्कतें हो गई, मैं वहाँ से छोड़ के आ गई। मतलब घर में आपसे बातचीत विवाद ताने नहीं, इस तरह की बात ताने वाने तो कोई नहीं देता था, लेकिन वो लोग टेंशन में रहते थे मेरी वजह से, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी किसी भी तरीके से तभी मैं जाऊंगी वहाँ पे, ताकि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। मतलब आपने जिस चीज के कारण शादी करी, जिस दवा के भरोसे शादी करी, जिस आइसोटीन के भरोसे शादी कर ली, वो आपके जीवन में बिल्कुल अंधेरा लाते चली गई। और आज आपकी स्थिति ये है कि आप घर से भी विदा हो गई और ससुराल से भी आपको छोड़ के आना पड़ा जी। ठीक, तो क्या आप किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को या लड़के को या किसी भी इंसान को जिसको किसी भी तरह का आंखों की असाध्य बीमारी है, उसको आप सलाह देंगी कि आइसोटीन ड्रॉप यूज करिए? नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होना है, रोशनी घटनी है आगे चल के, तो बीमारी बीमारी बढ़ती जानी है। हाँ, बीमारी बढ़ती जानी है, तो मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगी कि ये बासु से मिलके, एमएस बासु से मिलके आइसोटीन ड्रॉप ले और अपनी जिंदगी और अंधेरे में डाले। एक और परेशानी आपके साथ आ गई, जो था वो था, पर्दे की बीमारी थी और असाध्य रोग था जी। लेकिन साथ में अब आपको मोतियाबिंद आ गया जी, है कि नहीं जी। तो एक और समस्या इसके साथ हो गई है, इसके कारण हो गई है जी। ठीक जी। तो आप अब कभी भविष्य में जी। ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे कि जिसको आंखों के बारे में नॉलेज ना हो? मैं ऐसे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी भविष्य में कि जिसको आंखों के बारे में कोई नॉलेज ना हो, और फिर भी वो आगे की उम्मीद बंधाए कि आप ठीक हो जाएंगे, ये दवा खरीदिए, ये दवा डालिए, तो मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं देती हूँ कि आप जाइए वहाँ।
तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को जो आई स्पेशलिस्ट नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके पास आंखों का इलाज कराने एटलीस्ट जाने से रोकूंगी मैं, रोकना चाहेंगे, है ना? तो आप समाज के लोगों से, देश के लोगों से, विदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं देश विदेश के समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जिसको भी जानकारी नहीं है इस चीज की, तो बस वो ना जाए डॉक्टर के पास। आंखों के जो स्पेशलिस्ट बनते हैं उनके पास ना जाए, जो जानकार हो उसी के पास जाए, जो आंखों के रियल स्पेशलिस्ट है उनके पास जाए। और ऐसे लोग जो अपने आप को असाध्य रोग ठीक करने का दावा करते हैं और पेपर में बड़े बड़े एड देते हैं और ऑनलाइन पे भी वर्क करते हैं, जो सभी दूर जिनका नाम चल रहे हैं, जिनको जिनके पास कोई डिग्री नहीं है ना, आई स्पेशलिस्ट की कोई डिग्री नहीं है, वो आंखों का इलाज कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों को कहेंगे कि ये लोग आंखों के साथ खिलवाड़ करने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगी ऐसे लोग आंखों के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं जिनको सही से जानकारी नहीं है, जिनको आंखों के बारे में जानकारी नहीं है, आंख कैसी है, आंख कैसे बनती है, आंख में क्या क्या होता है, क्या बीमारी है, और वो असाध्य रोग होने के उसका दावा करते हैं कि ये असाध्य रोग है, जब वो खुद ही जबकि नहीं जानते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं। मैं तो बिल्कुल राय नहीं दूंगी कि आप जाएं वहाँ। तो आप किसी भी व्यक्ति को ये सलाह नहीं देंगे कि आप आइसोटीन उपयोग करें हाँ, है ना, या डॉक्टर बासु के यहाँ जाएं। ठीक जी। तो जिस तरह आपकी जिंदगी नर्क हुई है, किसी और की जिंदगी नर्क ना हो और वो परेशान ना हो, है ना? क्योंकि यदि आप शादी नहीं आते तो शायद आपके जीवन में ये झंझावट नहीं होता, किसी चीज के भरोसे आपने शादी का यस कर दिया और आज जिंदगी में आप पेशोपेश में जी रही हैं। सही है जी। तो भगवान ना करे इस तरह कोई और व्यक्ति आपके शरीर का ठगा जाए या आपके शरीर का परेशान हो जिंदगी में किसी चीज के भरोसे, किसी एक ड्रॉप के भरोसे, है ना? या तो समाज के लिए, देश के लिए आप ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि आपने सभी को इसके बारे में जानकारी दी कि किस तरह आप परेशान हुई हैं और किस कारण से परेशान, किसके कारण परेशान हुई हैं और क्या दवा डालने के कारण परेशान हुई है, है ना? मैं यही चाहती हूँ जिस तरह से मैं परेशान हुई हूँ कोई और ना हो भविष्य में आगे चल के। तो कोई भी व्यक्ति, क्या नाम बताया दवा का आपने? आइसोटीन, है ना? सीधा बोलो पूरा, आइसोटीन। कोई भी व्यक्ति आइसोटीन डाल के अपने आप को सुरक्षित ना समझे इस तरह से। हाँ, कोई भी व्यक्ति आइसोटीन डाल के अपने आप को सुरक्षित ना समझे, और ये दवा डालने से उसका जो भविष्य है वो अंधकार में ही होता जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा उसको। धन्यवाद जी।